भाई इंदिरा गांधी जी की पोती, राजीव गांधी जी की बेटी, यहाँ पर विभूति गहलोत के पक्ष में आप लोगों को आह्वान करने के लिए आ रहे हैं। आपको सोचो इसके बारे में कि आज प्रियंका जी गांधी यहाँ आ रहे हैं और प्रियंका जी गांधी देश में इसकी दादी ने क्या क्या काम किया। इंदिरा जी ने तो देख लो आप, ये लोग बीजेपी वाला कह रहे हैं मंच में तो विराजमान सभी हमारे नेतागण सामने विराजमान बुजुर्गों नौजवान साथियों एंड प्यारे दोस्तों माता और बहनों, बहुत ही आप लोगों को बात बताना चाहता हूं। ये लोग कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कांग्रेस ने 70 साल में वो किया है जो इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान का 2 टुकड़ा कर दिया और आपका बलिदान दे दियो। राजीव गांधी ने आपका बलिदान दे दिया, बीजेपी वालों ने नक नहीं कटाया और आप लोगों के बीच में मैंने जो अशोक जी गहलोत ने काम किया आप लोगों के लिए, जो पेंशन का काम देखिए, दवाया का काम आपको फ्री कर दिया, जांचों आपके लिए फ्री कर दी, 25 लाख रुपए आप लोगों को इलाज के लिए फ्री कर दिया, जो अशोक गहलोत जी ने काम किया है वो इतिहास रमय में एक सुंदर अक्षरों में लिखा जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूं। आप लोगों को सोचो कि ये आपके यहाँ जो विभूति जी गहलोत यहाँ पर आए, आप भाग्यशाली हो, आप तकदीरशाली हो, ऐसा कैंडिडेट मिला आपको इस राज्य का इस जिला का विकास कर देगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। आप लोगों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ इनका, आप विराजमान माता और बहनों के विभूति जी गहलोत को 26 तारीख के दिन ज्यादा से ज्यादा वोट देकर आप जीता के भेजोगे तो जीत पा विभूति जी की नहीं है, बात जीत आप लोगों की है, ये मैं कहना चाहता हूँ। दोस्तों समझो आप इसके बारे में कि आप लोगों के लिए विभूति जी आया तो कुछ सोच समझ के आया है, आप लोगों को विकास के लिए आया है, आपका इस गांव का इस जिला का विकास होगा, जालौर का होगा, सिरोही का होगा और तीसरा जिला अभी आपने दिया अशोक जी गहलोत वो जिला है सांचौर, तीनों जिला का विकास होगा। आप आने वाले समय 26 तारीख के दिन विभूति जी रात्र निशान माता दे और जिताएं भेजो। जय हिंद, जय भारत।